बीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सामाजिक कार्यकर्ता अमोल बोरकर के जन्मदिन के अवसर पर अमोल बोरकर मित्र परिवार ने शहर के हनुमान वार्ड में एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और एक भव्य रक्तदान शिविर के साथ एक स्वास्थ्य कार्ड शिविर का आयोजन किया। अमोल बोरकर मित्र परिवार ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए शहरवासियों के लिए इस भव्य शिविर का आयोजन किया। इसमें प्रसिद्ध डॉक्टरों की मदद से स्वास्थ्य संबंधी उपचार किया गया और मार्गदर्शन किया गया। नागरिकों ने इस शिविर को भारी प्रतिसाद देकर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इसमें जीवनदायी आरोग्य विकास फाउंडेशन ने शिविर में स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। इससे स्वास्थ्य संबंधी सुविधा शहर के नागरिकों को मिलने वाली है। इस शिविर को शहर के नागरिकों से जबरदस्त प्रतिसाद मिला। इस अवसर पर नागरिकों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच कराकर संतुष्टि व्यक्त की। इस शिविर के लिए अमोल बोरकर मित्र परिवार ने अथक परिश्रम किया। इन बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनगाड़ से रवि यनौरकर की रिपोर्ट। मऊदा शहर से रामटेक की ओर जाने वाली मऊदा टी पॉइंट से केसलापुर यह 3 किलोमीटर का मुख्य मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंतर्गत आता है। 5 साल पहले इस मार्ग का चौड़ीकरण किया गया था लेकिन काम निष्क्रिय दर्जे का होने के कारण यह मार्ग पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस मार्ग के दुरुस्ती पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन दुरुस्ती के नाम पर गड्ढों में मुरम और चूरी डालकर आनन फानन में दुरुस्त किया जाता है और फिर से 2-4 दिन में मार्ग हालत जैसे थे वैसे हो जाते हैं। आज इस मार्ग पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बने हैं जो आवागमन करने वाले राहगीरों के लिए खतरा बने हैं। कई बार इस मार्ग पर दुर्घटना हो चुकी है लेकिन सार्वजनिक विभाग कुंभकर्ण की नींद ले रहा है। मऊदा से बीसीएन न्यूज के लिए अचल तिजारे की रिपोर्ट। 6 अक्टूबर 2023 के तहत अकोला से मूर्तिजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग वाणी रंभापुर और मूर्तिजापुर शहर दुर्घटना स्थल धारा 194D के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन, बिना सीट बेल्ट 4-पहिया वाहन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, विभिन्न 68 वाहन चालकों को तेज गति से वाहन चलाने, बिना फिटनेस और बीमा प्रमाण पत्र के वाहन चलाने और गलत दिशा में वाहन चलाने के लिए जांचा गया और 41 वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दंडित किया गया। इस तरह मूर्तिजापुर शहर पुलिस स्टेशन में 4 ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया गया क्योंकि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में सलाह दी गई थी। उपरोक्त कार्यवाही में मोटरयान निरीक्षक योगिता राणे, सहायक मोटरयान निरीक्षक मनोज शिल्के, अंशुल मुरदेव, नितिन खराद, दिनेश एकड़े, राजस्व दस्ता चालक संदीप काले आदि शामिल हुए। इन बीसीएन न्यूज के लिए अकोला से असागर खान की रिपोर्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक शानदार समारोह में गोंदिया की शीतल डोए को मिसेस भारत एलिट कैलिफोर्निया का ताज पहनाया गया। माई ड्रीम टीवी USA द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शीतल ने न केवल उल्लेखनीय सुंदरता का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी प्रतिभा, बुद्धिमता और समर्पण का भी प्रदर्शन किया। शीतल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में बीटेक किया है और उनकी शादी अमित भोसले से हुई है। वह गोंदिया के राजेंद्र और सीमा डोए की बेटी हैं। शीतल 2016 में यूनाइटेड किंगडम UK गई और बाद में वहां से पति के साथ तबादले के कारण USA चली गई। वह एक मशहूर चित्रकार, नृत्यांगना और फिटनेस विशेषज्ञ भी हैं। अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, एक ताज से कहीं अधिक है, यह मेरे जीवन में एक नई और रोमांचक यात्रा के लिए एक कदम है। मैं फिटनेस और फैशन दोनों को संतुलित करने वाली जीवन शैली को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए इस मंच का उपयोग करने के लिए उत्सुक हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शीतल डोए है और मैं गोंदिया शहर से हूँ। मैंने गोंदिया से इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फ्रॉम MIT और उसके बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गई। मेरे IT में जॉब था एज ए वेब डेवलपर। मेरी शादी अकोला में हुई है और मेरे हस्बैंड का नाम अमित भोसले है। उसके बाद हम लंदन शिफ्ट हो गए थे 5 साल के लिए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ट्रू पैशन जो है वो फिटनेस में है। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। फिर मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। पर हमारा लंदन में वीज़ा ओवर हो गया और हम लोग US शिफ्ट हो गए थे। तो अभी 2 साल से हम लोग US में कैलिफोर्निया में रहते हैं। यहाँ मुझे मौका मिला मिसेस भारत एलीट 2023 कैलिफोर्निया ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का और एज अ विनर मुझे चूज़ किया गया। और जो मेरे वेलविशर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी।
इस पूरी जर्नी में मुझे मेरे पेरेंट्स राजेंद्र डोए, सीमा डोए और मेरे हस्बैंड अमित भोसले, इनका बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव है। मुझे फैमिली से हमेशा ही सपोर्ट रहा है। मेरे फ्रेंड्स भी जो काफ़ी प्रेरित करते आए हैं, तो ये सक्सेस का श्रेय मैं सबको देना चाहूँगी। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि आपका एज चाहे जो हो या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, लेकिन अपना फिटनेस आप कभी ना छोड़ो। और ये लाइफ हमारी फिटनेस और फैशन का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप की एज मैटर नहीं करती है, जो भी हो आपकी एज, लेकिन इंस्पायर करना चाहिए एक दूसरे को और साथ में लेके चलना चाहिए। यही मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी आज। धन्यवाद। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए BCN न्यूज के साथ। नमस्कार।